लोकतंत्र का ये पर्व बेहतर शासन व्यवस्था और शांति के लिए होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी हार जीत को लेकर इतने उतावले होते हैं कि हिंसा जैसी जघन्य अपराध करने से भी नहीं चूकते हैं। तस्वीरें रोहतक के महम विधानसभा की हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी बलराम दांगी के गांव में बूथ संख्या 134 पर जमकर हंगामा हुआ। निवर्तमान विधायक बलराज कुंडू ने आरोप लगाया है कि उनके साथ बलराम दांगी और उनके समर्थकों ने मारपीट की है। आनंद सिंह दांगी इतना बौखला चुका है कि वहाँ खुद 134 नंबर बूथ पे बस स्टैंड पे जो मदीना के अंदर वो खुद 20-25 लोगों के मैं वहाँ देखने गया था, ठीक चल रहा नहीं है, और मेरे खुद आनंद सिंह दांगी ने जो ना चिपट के ये मेरे कपड़े फाड़े हैं, अरे धक्के मरवाए हैं, ये मेरा पीए है, इसको इतना मारपीट की है, देखो इसका मुंह सारा ये उपड़ा हुआ, इसमें ये हालात है उसकी हार की बौखलाहट। आज वो फिर एक महम कांड कराने की सोच रखता है। अभिसार के खेड़ी गांव से आई हिंसा की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। एक सभ्य समाज में ऐसे राजनीति को कहीं जगह नहीं दी जा सकती, लेकिन कांग्रेस के समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री और नारनौत से बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु के समर्थकों के साथ मारपीट की है। इतना ही नहीं, नूह से आई इस तस्वीर को भी देख लीजिए। घरों की छतों से पत्थर बरसाए जा रहे हैं और सड़कों पर जमकर बवाल काटे जा रहे हैं। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। फतेहाबाद में कांग्रेस समर्थक खुलेआम वोट के बदले पैसे बांटते दिखे। ये पैसे देते हुए ये देख लो जी, पैसे देके वोट खरीदते हुए। वहीं थानेसर विधानसभा की पोलिंग बूथ संख्या 95 पर बोगस वोटिंग की शिकायत सामने आई, जिस पर बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सुधा की पत्नी ने संज्ञान लिया और शिकायत दर्ज करवाई। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार फर्जी वोटें दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वो पकड़ लिया, पकड़ने के बाद मेरे पास फोन आया और मैंने उसकी टेंडर वोट डलवा दी। अभी उन्होंने मैंने ऑफिसर से बात करी, वो अग्री कर गए। इस प्रकार की मैंने कहा जो आप बिल्कुल फेल एक्शन कराइए, कोई भी आदमी फर्जी वोट डालता है कोई भी उसको बिल्कुल आप बैठा लीजिए, उसको अरेस्ट कराइए। उसका क्यों करा रहा है ऐसा, कॉन्ट्रोडी कर रहा है। तो मैंने व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया ना, उसको अरेस्ट ही कर लिया। वो जो वोट डाल गया उसकी तो अभी जो भी होगा, लेकिन टेंडर वोट डल जाती है उसकी, चैलेंज वोट ऑर्डर डल गई है। पूरे हल्के के अंदर आप सुबह से घूम रहे हैं, लगातार जायजा ले रहे हैं, किसी और बूथ में इस तरीके की कोई वारदात निकल कर सामने? मेरी नॉलेज में नहीं आया, मैं झूठ कहूँ, जहाँ मुझे नॉलेज में आया मैंने वही बात करी है, वो कन्फर्म भी हो गई है, तो उसकी वोट डली है वो, क्योंकि कई जगह हर आदमी एक जैसे नहीं होता, कई लोग होते हैं ऐसे करने वाले होते हैं। आखिरी सवाल सर, क्या लग रहा है, काफ़ी कांटे की टक्कर जो है वो थानेसर में देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है? देखिए आपको लग रही कांटे टक्कर, मैं तो फेवरेबल मानता हूँ, मैंने काम किया, काम के नाम की वोट मांग रहा हूँ मैं। अब मैं कांटे से एक बात मैं और भी कहूँगा, एक भी अब इसके बाद अगर कोई एक भी फर्जी वोट डल गई तो यहाँ पर मैं इस बात को मैं पूरा अधिकारियों को कह दिया, मैं अभी आरोप बोलता हूँ, खुद आगे चेक करेंगे, उसी कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर प्रदेश में कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ते दिखे, लेकिन अब देखना होगा कि 8 अक्टूबर का चुनावी रिजल्ट क्या कुछ कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।